नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आइए रुख करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि विशेष राज्य के मसले पर भारतीय जनता पार्टी बिहार वासियों को धोखा दे रही है। विकास के सभी आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं है। आप बिहार विकास के सभी पैमानों पर सबसे नीचे हैं। बिहार के पिछड़ेपन में भाजपा और राजद दोनों जिम्मेदार हैं। लालू राबड़ी शासनकाल में बिहार का बंटवारा हो गया, जिससे तमाम खनिज संपदा झारखंड में चली गई। पटना हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए पप्पू यादव ने भाजपा पर बिहार वासियों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार विशेष राज्य के मसले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपमानित करती है। मेरा आग्रह है कि नीतीश कुमार भाजपा से अलग होकर बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाने की लड़ाई लड़ें। तो यार अच्छा आगे आ भाई, आगे आ जाइए, लगा ना एक मिनट, आगे आ जाइए, पैसेंजर को आराम से लगा लीजिएगा, रुक जाएगा आगे का। पहले तो भैया बहुत क्लियर है, अविलंब अजय टोनी को बर्खास्त करना चाहिए। इसके लिए जरूरत पड़ेगी तो सड़कों पर उतरेंगे, कोई उस पर कंप्रोमाइज नहीं होगी। हम लोग इसको लेकर के लगातार कैंपेन चला रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आता कि 56 इंच सीना को हो क्या गया। SIT की रिपोर्ट आने के बावजूद और जिस तरीके से पत्रकार के साथ उन्होंने गाली गलौज किया, क्रिमिनल एक्टिविटीज उसकी रहती है। दूसरी तरफ मुझको समझ में नहीं आता है कि BJP नीतीश कुमार को गाली के चलते बिहार के 14 करोड़ को अपमान कैसे कर सकती है। फड़क्का बाढ़ के सवाल पर बैकफुट पर BJP भेज दिया, BJP बिहार को पैसा मांगा गया बोला नहीं देंगे, केंद्रीय विश्वविद्यालय पटना पर मांगा गया बोला नहीं देंगे, जाति जनगणना की बात आई उस पर रिफ्यूज़ कर गया, विशेष राज विशेष पैकेज पर रिफ्यूज़ कर गया, GST का पैसा बिहार को नहीं देंगे, पूंजी निवेश की बात आई तो नहीं देंगे, इंडस्ट्री पॉलिसी पर बात आई कि इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए आप पैसा दें उस पर नहीं देंगे, किसानों के सब्सिडी का सवाल आया, अभी 1500 लगभग फैक्ट्री धान के बंद हो गया, 1500 बंद होने की स्थिति में नेपाल मेरा धान जा रहा है, उस पर कुछ चर्चा नहीं। तो बिहार से इतना नफरत क्यों है BJP को? गंगा में डुबकी और काशी या मथुरा वृंदावन करने से दुनिया नहीं चलेगा। सवाल है बेरोजगारी का, दुनिया का सबसे सुन पर इंडिया है, बेरोजगारी के मामले में हम सबसे नीचे जा ऊपर जा चुके हैं वर्ल्ड में। गरीबी पर चर्चा करने को तैयार, खाद की स्थिति यह है कि आप अभी तक लाठी चलती है। हम तो चाहेंगे कि इन BJP वाले को किसी गांव में ढुकने नहीं दिया जाए। नीतीश कुमार को आपको अपमानित करना है ना, आप करते रहिए, आप लड़ते रहिए आप नीतीश कुमार, जब दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब प्रदेश हम हैं और मानव सूचकांक सबसे कम पैसा इनकम ऑफ हुए हम पर कैपिटा इनकम बिहारियों का है, तो फिर विशेष राज क्यों नहीं? और यह हाल पैदा कौन किया? BJP और लालू यादव जी। लालू यादव जी कहते थे कि मेरे लाश पर बिहार बटेगा, मैं मर जाऊंगा तब बिहार बटेगा। तो BJP को चाहिए था झारखंड, वहाँ मुख्यमंत्री बना लिए, यहाँ लालू यादव जी को चाहिए था। और आज जब विशेष राज की बात आती है, लालू यादव जी भी किंग मेकर थे, गुजरात और देवगौड़ा को प्राइम मिनिस्टर बनाए, तो फिर विशेष राज क्यों नहीं लिया? और नीतीश कुमार जी 16 सालों से आप हैं, जब आपकी सुनता नहीं है और अपमानित करता है तो फिर आप साथ में क्यों हैं? कुर्सी के लिए कब तक बिहार को नाश कीजिएगा? चैलेंज करके छोड़िए और बिहार के जनता के बीच जानी चाहिए, नंगा करिए इन लोगों को, बहुत क्लियर सवाल है। आज बैंक निजीकरण को लेकर हड़ताल भी है, निजीकरण किया जा रहा है उसको लेकर बैंक क्या आज बैंक हड़ताल भी है निजीकरण को लेकर के? भैया मेरे कुछ दिन में इस देश में BB निजीकरण हो जाएगा, क्या क्या निजीकरण कर देंगे आप, छोड़ दीजिए इन सब बातों को, बस गंगा में डुबकी लगाना है, आरती के वक्त भी
फोटो खिंचवाना है, ये फोटो परजीवी व्यक्ति हो गया यार। वहीं पर समाधि कोई कर हो जाता ना, और डुबकी में ही भगवान इसको समाधि ले लेते तो भारत बच गया होता। बीजेपी विधायक को धमकी मिली है, काय का धमकी? बचौली को मिला के जान मारने की धमकी है। इसको क्या दिया था? जो खुले में नमाज पढ़ते हैं उस पर रोक लगाने की मांग की है। हाँ, क्या धमकी दे दिया? ये गिरिराज का बाप बनता है, ये कोई काम नहीं है, इन लोगों को सेंसेशन पैदा करता है। क्या मारेगा इन लोगों को? पैखाना पर पत्थर क्या फेंकेगा? गोबर पर घी डालने से गोबर का ही ना महक आएगा? पैखाना पर कोई पत्थर फेंकता है, छीटा पड़े अपने, क्या मारेगा इन लोगों को? ये लोग अपने इतना बड़ा माफिया है। अब नीतीश कुमार जी जाने भैया, जब 95% मंत्री विधायक बालू माफिया के बच्चे में जन्मदिन अटेंड कर सकता है, क्या बिहार है भैया? अच्छा, मेरे बस की चीज है। अब मैं जा रहा हूँ, मुखिया को मार दिया 700, अब जा रहे हैं बाहर, दरोगा मुखिया को मार दिया तो बाहर जाने दो ना, हमको गौशाला थोड़े जाना है, हमको गाय भैंस थोड़े देखना, हमको आदमी बचाना है, हम गोबर पाटने के लिए नहीं आए हैं। और कांग्रेस के विलय की बात कहां तक? अरे विलय तिलय अभी छोड़िए, अभी चलिए जान बचाइए। अच्छा, विलय होगा देखेंगे। मांझी जी ने बोला 10 बजे, ठीक बोला मांझी जी, ठीक बोला एकदम, और जोर से बोलना चाहिए। मांझी जी ने एकदम ठीक बोला, हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि शराब माफियाओं की संपत्ति और बड़े लोगों की संपत्ति और नेताओं की संपत्ति जाँच नहीं होती है। 6,46,000 गरीब लोगों को जेल भेजा गया है, एक भी माफिया और नेता जेल क्यों नहीं जाते हैं? एकदम सही बोला माजी। सरकार मास्क कंपलसरी कर दिया, पूरे एयरपोर्ट से बिना मास्क चले हैं। मास्क है, पागल है, हमको मास्क लगावे कोई काम है? कुछ होता है? कौन सरकार कंपलसरी कर दिया है? कौन सरकार? सरकार कंपलसरी कर दिया तो सरकार से पूछिए ना कि तैयारी है कोरोना की? हमको कुछ हुआ 3 बार? सब चोरे को होता है, गरीब को होता है? इस अंक में फिलहाल इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।